नमस्कार दोस्तों दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि पॉलिटिकली सबसे हॉट फेवरेट राज्य कौन सा है जिस पर सारे देश की सारे मीडिया की राजनीतिक दलों की निगाहें हैं तो वो निश्चित रूप से तेलंगाना होगा जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं तेलंगाना की राजनीति को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ये सेंस आ रहा है कि वो वहाँ पर सत्ता में आ सकती है ये सेंस भारतीय जनता पार्टी का कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से पिछले साल उसे पश्चिम बंगाल के बारे में एक सिक्स सेंस आ रही थी कि शायद उनके चांस पश्चिम बंगाल में बढ़िया बन सकते हैं और इसी वजह से बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था अमित शाह नरेंद्र मोदी इन लोगों ने बहुत सारे नेताओं को तोड़ा था पश्चिम बंगाल के अपनी तरफ मिलाया था अब कुछ इसी तरह का सेंस तेलंगाना को लेकर आ रहा है बीजेपी को और इसके तेलंगाना में आने की बहुत सी वजह भी हैं सत्रह में से चार लोकसभा सीटें उन्नीस में जीती थी बीजेपी ने हाल ही में पिछले एक दो साल में दो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के वो दोनों बीजेपी ने जीते हैं और एक उपचुनाव जो अभी हाल ही में होने जा रहा है नवंबर में उसको भी बीजेपी जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है और उसे लग रहा है कि वो इसे आसानी से जीत लेगी इसी वजह से जब बीजेपी का फोकस इस पर हो जाता है तेलंगाना पर तो फिर निश्चित रूप से सारे नेशनल मीडिया का भी फोकस इस पर होना ही है लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के उनका फोकस तेलंगाना पर नहीं दिल्ली पर हो रहा है उल्टी कहानी चल रही है के पिछले कुछ समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा एक कर कारनामा कर दें जो लोग उन्हें नेशनल लेवल का बड़ा लीडर मान लें देखिए वैसे तो उनके मन में ये इच्छा है कि वो खुद पीएम पद के लिए अपना नाम चलवाएं लेकिन वो जानते हैं कि उनका नाम कोई चलने नहीं देगा ममता बनर्जी नीतीश कुमार बड़े बड़े लोग पहले से ही बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं पी इन वेटिंग है लेकिन उनके मन में एक ये इच्छा ज़रूर है कि मैं कुछ चार पाँच राज्यों के जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को अगर मैं साथ ले लूं, तो हो सकता है कि वो लोग मुझे सपोर्ट कर दें और फिर एक क्रेडिट मुझे चला जाए कि साहब देखिए जिस तरह से साउथ में चंद्र बाबू नायडू कभी एन का गठबंधन बनाया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में या प्रमोद महाजन जैसे लोग हुआ करते थे इन लोगों ने एक मूवमेंट खड़ा करा था कांग्रेस के खिलाफ और उसमें सफलता भी हासिल की थी तो उसी तरह का क्रेडिट शायद लेने की कोशिश कर रहे हैं के लेकिन के ने इस क्रेडिट लेने की जो उनकी इच्छा है उसमें कुछ गलतियां करनी शुरू कर दी हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें नुकसान दे सकती हैं वन बाई वन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं उनकी पार्टी का नाम है टी आर एस तेलंगाना राष्ट्र समिति अब उन्होंने इस पार्टी का नाम कर दिया है बी आर एस भारत राष्ट्र समिति और इसमें अभी दो दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया हैदराबाद में जिसमें बाकायदा बी आर एस नाम से ये पार्टी लॉन्च की गई इसमें ले देकर बड़े नेताओं के रूप में अगर बात करें तो उनके पड़ोसी राज्य कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एच डी देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी ये मौजूद थे इस कार्यक्रम में और यहीं पर इन्होंने बी आर एस को लॉन्च करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब टी आर एस नहीं रहेगी ये पार्टी अब हम भारत के बारे में सोचेंगे तेलंगाना के बारे में नहीं सोचेंगे यानी कि सीधा सा उनका लक्ष्य है कि हम क्षेत्रीय राजनीति से अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देखना शुरू करेंगे ठीक है उनकी एम्बिशन अपनी जगह पर हैं लेकिन दक्षिण भारत के जो दूसरे राज्य हैं चाहे वो तमिलनाडु हैं कर्नाटक है केरल है ये सब टीआरएस की तरह से क्यों नहीं सोचते देखिए डीएमके पार्टी है डीएमके में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एमके स्टालिन वो केवल तमिलनाडु के बारे में सोचते हैं अपनी पार्टी को अपने राज्य में ही मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं पी विजयन सी पी की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है एल जिसको कहते हैं वो उसको चला रहे हैं और वो एक अपना ही केरला मॉडल डेवलप uh, कर रहे हैं और उसी के आधार पर वो अपनी पॉलिटिक्स आगे करना चाहते हैं उनकी भी नेशनल लेवल पर कोई इच्छा नहीं है वैसे भी कम्युनिस्ट नेशनल लेवल पर नगण्य हो चुके हैं उनका कोई वजूद रहा नहीं है सिद्ध रमैया हैं कर्नाटक में कांग्रेस का फेस हैं लेकिन उनके सामने भी दिक्कत यह है कि डी के के रूप में एक फेस कांग्रेस का जो गांधी परिवार के काफ़ी करीबी है वो इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है तो सिद्ध रमैया भी केवल कर्नाटक में अपने हितों को देख रहे हैं उनकी तरफ से कांग्रेस कहीं जाओ या फिर उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो 2024 में क्या करने जा रहा है इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता अभी एक प्रयोग बिहार में हुआ है नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया कुछ इसी तरह का प्रयोग हुआ था महाराष्ट्र में शिवसेना ने चुनाव जीता था बीजेपी के साथ गठबंधन में लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एन के साथ चले गए और अपने मुद्दे से ही भटक गए तेलंगाना को लेकर बीजेपी का एक फोकस है हिंदू हिंदी भाषा और हिंदुत्व ये तीन उनके मुख्य उद्देश्य हैं और इस राह पर बीजेपी लगभग सभी स्टेट्स में अपना वर्चस्व बढ़ाती चली जा रही है इन मुद्दों को वो कंट्रोल करती है और इन्हीं मुद्दों को सामने रखकर अपनी पॉलिटिक्स का खाका तैयार करती है और उसके बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चाल चलनी शुरू करते हैं अब के ने तेलंगाना अपनी पार्टी के नाम से हटा दिया और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है मुझे ये लग रहा है कि के के, के मन में ये आई है बात कि देखिए मैं तो चला जाता हूँ नेशनल पॉलिटिक्स में और बेटे को जिम्मेदारी सौंप दूंगा केटीआर जो उनके बेटे हैं वो काफ़ी समय से सी बनने की इच्छा है उनकी तो के ये चाह रहे हैं कि मैं कब तक बुढ़ापे तक अपने ये सब चीज़ें झेलता रहूँगा और अपने बेटे को आगे बढ़ा देता हूँ अभी अमित शाह पिछले दिनों जब गए थे वहाँ पर एक रैली करने मुनुगोडे में जहाँ पर अभी उपचुनाव होना है और कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में आ गए थे राजगोपाल उन्हीं को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है तो वहाँ पर अमित शाह ने यह कहा था कि देखिए के, के चले जाएंगे तो के आ जाएगा ये वंशवाद की पॉलिटिक्स आपको ख़त्म करनी होगी इसलिए बीजेपी का साथ दीजिए और ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती नज़र आ रही है के चाह रहे हैं कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में चला जाऊँ केंद्र में संयुक्त मोर्चे वोर्चे की सरकार बन जाए जैसे वी सिंह के समय में बनी थी तो उसमें मुझे कुछ मिल जाएगा और बेटे को सौंप दूंगा मैं तेलंगाना ये उनके मन में चल रहा है लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है देखिए केसीआर भी कहां से निकले हैं कांग्रेस से ही निकले हैं उसी पार्टी से वो निकले थे और बीजेपी केवल कांग्रेस की जो वहाँ पर जगह खाली हुई है उसको भरने की कोशिश कर रही है अभी आपको याद होगा कि 2020 में कोविड के दौर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था जो बहुत बड़ा चुनाव है जैसे कि बॉम्बे में बीएमसी का चुनाव होता है और बीजेपी ने उसमें अप्रत्याशित रूप से अड़तालीस सीटें जीती थी अमित शाह जे नड्डा सारे बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए आए थे और टी 99 से 56 पर आ गई थी टीआरएस के पतन का जो सेंस है बीजेपी को कायदे से उसी चुनाव से आया है और उसके बाद से बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है तेलंगाना में अब देखिए जब वोट शेयर की बात करते हैं तो हैदराबाद का जो चुनाव हुआ था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उसमें दोनों का ही वोट परसेंट टीआरएस का भी और बीजेपी का लगभग 36 परसेंट के आसपास रहा और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 17 में से चार लोकसभा सीटें उनके पास पहले से ही हैं और इसके अलावा उन्होंने दो उपचुनाव भी जीते हैं और एक और उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी को ये भी लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसिव फैक्टर बन रहा है केसीआर के खिलाफ उसका लाभ भी बीजेपी को मिल रहा है कांग्रेस लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है और उसकी कहानी खराब होती जा रही है दूसरी आर दूसरी तरफ केसीआर के पास लोगों को बताने के लिए कोई स्टोरी नहीं है कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है कि साहब हमने ये काम कर दिया या हमने इतनी बड़ी योजना को अमल में ला दिया या हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया इस तरह की कोई कहानी नहीं है अब देखिए पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु वहाँ पर एम के स्टालिन और आप देखिए वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं डी एम के और ए आई ए डी एम के दोनों में ही डी शब्द द्रविड़ के लिए है वो अपनी द्रविड़ पॉलिटिक्स जो अपनी ग्रास रूट की पॉलिटिक्स है वो उससे जुड़े हुए हैं और वो द्रविड़ियन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम जो द्रविड़ियन मॉडल है उसकी बात करते हैं एम के स्टालिन और जैसे कि केरल मॉडल की बात कम्युनिस्ट करते हैं केरल में और ये तो के तो 1950 से चल रहा था अलग तेलुगु राज्य को लेने का मामला बस ये रहा कि यह कांग्रेस से अलग हुए और इन्हें तत्कालीन इन्होंने एक टी बना ली तेलंगाना राष्ट्र समिति और उसी के बैनर पर ये चुनाव जीत गए और फिर 2014 में जब ये राज्य बना तो तब से लगातार ये आठ साल से यहाँ सत्ता में काबिज हैं और इस बात को लेकर राहुल गांधी भी ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं राहुल गांधी को ये लग रहा था कि कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया है तो तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत रहेगी लेकिन पहले ही चुनाव में कांग्रेस लगभग खत्म होने के कगार पर यहाँ पहुँच गई तो इसलिए राहुल गांधी का भी प्रस्पेक्टिव दूसरा है राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मैं तेलंगाना में कांग्रेस की कम कराऊं कांग्रेस भी चाहती है कि हम यहाँ कम करें और चूंकि ये राज्य हमने बनाया है हमारे शासनकाल में यूपीए टू के कार्यकाल में ये बना था मनमोहन सिंह की जो दूसरी सरकार थी तो उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए के ने इसका क्रेडिट कैसे हासिल कर लिया तो वो भी के को अपना दुश्मन मान रहे हैं और के डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं कोई बड़ी योजना नहीं चला पाए जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन ने मिड डे मील योजना दोबारा शुरू की है स्टालिन ने तो साफ तौर पर यह कहा कि मैं मिड डे मील योजना को इसलिए बढ़ा रहा हूं कि हर एक आदमी के लिए खाना सुनिश्चित करना बच्चे के लिए खाना सुनिश्चित करना एज ए सी मेरी जिम्मेदारी है लेकिन ऐसी कोई योजना केसीआर नहीं ला पाए हैं केसीआर के पास कोई अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं है लोगों के सामने वो पेश कर सकें उनके बारे में जब भी विरोधी दल बात करते हैं सब यही कहते हैं चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो असदुद्दीन उवैसी है सब यही बात करते हैं कि इनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और ये अपने हिसाब से चला रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और बीजेपी जान रही है कि के की कमजोरी है ना वो अपनी कोई बड़ी योजना ला पाए ना केंद्रीय योजनाओं को सही तरीके से ला पाए इसके अलावा अब तेलंगाना दिवस का जो स्थापना दिवस का मामला है उसे लेकर अमित शाह ने पिछले दिनों कहा ही था हिंदू मुस्लिम समीकरण पर बीजेपी हमेशा फोकस करती रहती है वो जानती है कि मुस्लिम वोट्स बीजेपी के ए, अगेंस्ट वहाँ पर जा रहे हैं और दो जगह बट रहे हैं हो सकता है कि तीन जगह बटें असदुद्दीन ओवैसी में कांग्रेस में और टी में तो इसलिए बीजेपी को यह लग रहा है कि हमारा जो हिंदू हिंदुत्व वाला मुद्दा है वो भी यहाँ पर सॉलिड तरीके से काम करेगा और असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी उन्हें लाभ दिलवाएगी और उन्होंने पिछले दिनों एक और कहानी शुरू की यहाँ पर जो निजाम का शासन हुआ करता था उन्होंने कहा कि जैसे निजाम का शासन था निजाम का शासन ही आज भी चल रहा है यानी कि मुस्लिम तुष्टिकरण की सरकार यहाँ पर चल रही है कभी सरदार पटेल ने यहाँ से निजाम का शासन खत्म करवाया था और तेलंगाना को भारत में मिलाया था स्वतंत्र भारत में मिलाया था उसी तरीके का अभियान हम लेकर आ रहे हैं और सरदार पटेल को लेकर पिछले दिनों अमित शाह ने कार्यक्रम में वहाँ पर शिरकत भी की थी और बड़ा आक्रामक रुख अपनाया था इसी तरह से जैसे तमिलनाडु के बारे में मैंने बताया कि वहाँ पर स्टालिन जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं वेलफेयर की बात कर रहे हैं लोगों के उत्थान की बात कर रहे हैं मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र की जो योजनाएं हैं उनकी काट निकालते हुए वो स्टेट लेवल पर अपनी योजनाएं आगे लाने की बात कर रहे हैं लेकिन के ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं बिहार में जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग महाराष्ट्र की तर्ज पर ही हुआ है जैसे कि जे ने साथ छोड़ा बीजेपी का और आ गए आर के साथ और उसी तरीके से शिवसेना का एक धड़ा साथ चला गया बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जीरो हो गए आने वाले समय में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे और इसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलकर कर एक नाथ सिंधे के हाथ में जा ही चुकी है बस उस फॉर्मल औपचारिकता बाकी है कि चुनाव चिन्ह उन्हें चुनाव आयोग दे दे तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी तो कुछ इसी तरह का के के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे लग रहा है कि के ने जिस तरीके से टी आर एस के नाम में से टी हटा दिया है यानी कि तेलंगाना को हटाकर भारत राष्ट्र समिति इसका नाम किया है कहीं ऐसा ना हो कि ये दाम उन्हें उल्टा ही पड़ जाए और अपने बेटे को जो सीएम बनाने का ख्वाब वो देख रहे हैं 2023 में वो कहीं अधूरा ही ना रह जाए और हमेशा के लिए अधूरा ना रह जाए और बीजेपी यहाँ पर सत्ता में वापसी सत्ता में काबिज ना हो जाए इस तरह की संभावनाएं मुझे नज़र आ रही है मुझे लगा कि तेलंगाना के बारे में बात होनी चाहिए किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाया के को लेकर जब उन्होंने ये पार्टी लॉन्च की तो मैं तो उस पर नज़र रखे हुए था कि देखता हूँ के क्या करते हैं उनकी जो एम्बिशंस हैं वो छः राज्यों के सी से मिलने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसी के तहत मुझे तो लग रहा है कि वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए हैं हो सकता है उन्हें आने वाले समय में इसका नुकसान उठाना पड़े और वो ना तेलंगाना के रहे और ना भारत के रहे चर्चा होती रहेगी तेलंगाना पर पहले भी बहुत बार वीडियो बनाए हैं आगे भी बनाता रहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए वरना मेरे नए वीडियो आने का आपको पता नहीं लगेगा और जब मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें